सो वेलकम बैक टू गाइस अनदर वीडियो। और आज हम खेल रहे आर्क सर्वाइवल इवॉल्व में एक नया मोड। सो बेसिकली मैं इस मोड के बारे में बता देता हूँ। ये मोड एक नॉर्मल आर्क को दर्शाता है, मतलब नॉर्मल आर्क मतलब कि नॉर्मल अगर डायनासोर होते हैं तो वो किस तरह हमको देखकर रिएक्ट करते हैं, या हमें मारते हैं या अग्रेसिव होते कि नहीं। इसीलिए इसमें कोई भी डायनो छोटे से लेकर बड़ा तक वो सब हम पर एग्रेसिव रहते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली मतलब अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पर अटैक करते हैं। टोटली बात यही है कि इसमें कोई भी डायनो हमें अगर टेम करना है या तो हमें उसको ब्रीड करना पड़ेगा या तो फिर उस डायनो का अंडा चुरा के लाना पड़ेगा, जिसके लिए उसके मतलब फैमिली या माता पिता कह लो वो सब हम पर एग्रेसिव रहेंगे। तो हमें बस इसलिए यही करना है कि हमें इस मॉड में डायनो के बच्चे चुराने हैं और अंडे चुराने हैं ताकि हम उन्हें बड़ा कर सकते हैं। तो बेसिकली सारी बात छोड़ते हैं, अब सीधा घुसते हैं मैप में। और मैप बताना तो मैं भूल ही गया गाइस, मैप है रैग्नारोक। और पहली बार मैं ये मॉड खेल रहा हूँ, वैसे सिर्फ देखा ही है इसके बारे में। आरएल आर्क की अभी तो बहुत शांति शांति लग रही है, लेकिन थोड़ी देर में कुछ ना कुछ होगा जरूर। आई थिंक मेरे को पहले मैं चीजें देख लेता हूँ। स्किन वगैरह नहीं चाहिए मेरे को। तो गाइस इसमें नॉर्मल आर कितना मैंने लेवल अप वगैरह सब कुछ रखा है, स्पीड अप वगैरह। मेरे को ये भी चाहिए, टीमिंग जनरल, एसएस क्राफ्टिंग स्टेशन, एसएस ट्रांसफर टूल, कैंप फायर, स्पीयर और हैचेट भी। ओ हैचेट के लिए मैंने लेवल ही नहीं छोड़ा, बहुत अच्छे भाई। प्लांट फाइबर, और ये स्पॉइल्ड होता है। सो ये बेसिकली एक एक स्पॉइल हो गया कि सभी एक साथ स्पॉइल होगा। आई थिंक एक एक स्पॉइल्ड हो तो ज्यादा सही है। यू मस्ट लर्न दिस एंग्राम बिफोर इट। तो ये दिख क्यों रहा है यहाँ? आई थिंक मैंने कुछ ऑन कर लिया है गलती से। हेलो, अच्छा वुड मिली, मैं सोचा वुड ही नहीं मिलेगी क्या इसमें, इस मॉड में। मेरे को बनानी है ये स्टोन पिकैक्स, के लिए एक स्टोन भी तो चाहिए। शॉर्ट स्टेमिना और बीट में पॉइंट देना है मेरे को। मैं कुल हैचेट खोल सकता हूँ अपनी। भाई क्राफ्ट कितने धीरे धीरे हो रहा है। आई थिंक इसी एरिया में मेरे को बेस बना लेना चाहिए, ज्यादा सही एरिया है। भाई कितने धीरे क्राफ्ट हो रहा है। अच्छा क्राफ्टिंग स्किल नहीं है इसीलिए। और गाइस इसमें डोडो से लेकर छोटे से छोटा डायनो से लेकर बड़ा से बड़ा डायनो मारेगा मेरे को, तो मेरे को आराम से खेलना है। ये चाहिए मेरे को फ्लिंट एंड थैच। आ जाना नंबर वन पे। हार्वेस्टिंग अमाउंट भी कम ही रखा है ताकि जल्दी जल्दी हमें नहीं खेलना।
भाई कितना टाइम लग रहा है क्राफ्ट होने में। एक लेवल तो डाल ही दिया मैंने क्राफ्टिंग में। हेलो कहाँ गई? फिर से क्राफ्ट हो रही है? ठीक है भाई, मैंने एक पॉइंट लेवल में क्या डाल दिया है क्राफ्टिंग में, फिर से क्राफ्ट हो रही है, ये भी सही है। यहाँ हो सकता है आसपास टूटू वगैरह हो। पहला गॉर्नेस से भी बच के रहना है, टोटली सबसे ही बचना है, हर कोई मारेगा ही। और एस प्लस मॉड भी डाला है गाइस, तो मैं एस प्लस की चीज़ें यूज कर पाऊंगा। यहाँ पे डोट वगैरह होनी तो चाहिए थी। एरो अच्छा अभी खुला नहीं है इसमें गाइस। एरो भी बनाने के लिए हमें फेदर चाहिए, और जो कि मिलते हैं चिड़िया विड़िया मारने से। क्या खोलूँ क्या खोलूँ क्या खोलूँ? हाँ मेरे को ये खोलना है ये खोलना है। प्रिजर्विंग सार्ट तो भूल ही जाओ, बेस तो बाद में, बेस का देख लेंगे। और ये भी तो चाहिए मेरे को, ये पता नहीं आता किस काम है लेकिन अच्छा। बैंडेज है ये। क्या मैंने सीटी की आवाज़ सुनी? आई थिंक मैंने सीटी की आवाज़ सुनी। इसका मतलब आसपास कोई वो है एनपीसी। ओ वो रहा, हेलो एनपीसी, हेलो। अरे हेलो कर रहा हूँ, हेलो कर रहा हूँ, हेलो 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 हेलो, दिखा हिला रहा हूँ। और मैडम आपका नाम क्या है? कुछ ज़्यादा ही काली हो, थोड़ा गोरी ओरी होती तो शादी वादी कर लेता मैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही काली हो। रियलिटी में ना सही, कम से कम गेम वाले तो गर्लफ्रेंड दे रहे हैं। वो उधर भी हैं कुछ, लेकिन वो टाइटन है बहुत से लड़ रहे हैं। वैसे मेरे को मदद करनी चाहिए लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मरो जाके तुम ही। एनपीसी मॉड भी है गाइस, मैं बताना भूल गया था। मॉड काफ़ी हैं, काफ़ी नहीं मतलब सिर्फ चार मॉड आए आई थिंक, बस उतने ही रखे हैं मैंने। और किसी को पता हो तो आरएल आर्क तो पता ही होगा गाइस। ये फेंको, मेरे को अभी फाउंडेशन खोलनी है। ऐसे साली ताकि मैं बेस वेस बना सकूँ कुछ। ओ भाई वेट में कितना, 6 लेवल हो गया एक। ठीक है भाई, इसमें स्टैमिना बहुत जल्दी जाता है, कुछ ज्यादा ही जल्दी चला जाता है भाई। कितने स्लो काम हो रहा है यार। एक और पॉइंट दो क्राफ्टिंग स्किल में, 4x4 का भी बनाता हूँ मैं। डोडो क्यों नहीं दिखी मेरे को अभी यहाँ तक? वैसे डोडो दिख जानी चाहिए थी, ये कभी डोडो नहीं दिख रही है। यही बेस बनाऊंगा मैं। ओके एक इधर, तो एक बचा है, जल्दी से बन जा। जल्दी 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 जल्दी, बहुत धीरे धीरे भाई क्राफ्टिंग हो रही है, कुछ ज्यादा ही धीरे क्राफ्टिंग नहीं हो रही है भाई इस मॉड में? कुछ ज्यादा ज्यादा धीरे क्राफ्टिंग हो रही है। ठीक है भाई, अब तुझे प्यास भी लग गई, पानी तो पीना ही पड़ेगा। पीओ मिया है गाइस जो अटैक नहीं करती है, आई थिंक सो। बाकी तो सारे डायनोस अटैक करते ही हैं।
चाहे वो डीओडी क्रस भाई नजदीक मत आ, भरोसा नहीं है तो अच्छा अटैक करेगा कि नहीं। काफी सारे डायनोस पे मेरे को तो भरोसा ही नहीं है, क्योंकि इस मॉड के टेस्टिंग में मैंने देखा था डोडो तक तो मेरे पे अटैक कर रही थी। रुक जा यार, सफर कर, पिला रहा हूँ पानी आराम से। यार मेरे को इसको मारना है, ये मेरे को आई थिंक फाइबर देगा, ये फाइबर बता रहा हूँ, फेदर देगा, एक लेवल के ना। अरे मेरा स्टैमिना गया हुआ है। ठीक है भाई, देखो तो मेरे को मिली डैमेज बढ़ाने तो थोड़ा सा। स्टैमिना कितनी जल्दी चला जाता है यार। ओके फाइनली मर गई। ओ फेदर मिलेंगे इससे, फेदर मिलेंगे मिलेंगे कम से कम फेदर इससे। हेलो, एक भी नहीं मिला। ठीक है भाई, बेवकूफ बना दिया मेरे को तू। एक हाइड तो अच्छा, ये तो वाटर वाला है, मैं तो सोचता ऑयल जग है। ये क्या है, फाइबर बैंड से टिश्यू हार्वेस्टिंग फॉर्म लार्ज टेंडन्स फॉर एनिमल मे बी यूज्ड प्लेस ऑफ प्लांट फाइबर। अच्छा, इसको इस वाले फाइबर की तरह यूज कर सकते हैं हम। भाई मेरा वेट कितना बढ़ गया, खाली 20 मीट उठाने पे इतना जल्दी वेट बढ़ गया। क्या मैंने नार्को बेरी खा ली क्या? आई थिंक शायद गलती से मैंने नार्को बेरी खा ली। इसको भी मारना है लेकिन वेट मेरा बहुत बढ़ जाएगा। मैंने 20 कहाँ बनाया था, यहीं कहीं बनाया था आसपास। व्हाट द हेक, वो एनपीसी का 20, वो भी वुडन। भाई इसको हाथ हिलाना पड़ेगा, हाथ हिलाना पड़ेगा नहीं तो ये काटेगा मेरे को। हेलो सर, आपका क्या नाम है? सब कल्लू कालिया ही क्यों है यहाँ पे? कल्लू कालिया छोड़ के और कोई है नहीं क्या यहाँ? वो ये रहा मेरा बेस। अच्छा फियोमिया है, फियोमिया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, फियोमिया से कोई डरने की बात नहीं। तो अभी मैं क्या बनाऊँ, एक और थैच बना लेता हूँ। बैंडेज तो भूल ही जाओ, मेरे को ये बनाना है। फाइबर चाहिए, स्पार पाउडर चाहिए, ओके। इसके लिए तो मेटल चाहिए, ये भी भूल जाओ। 38 लेवल पहुंचा हूँ, देखता हूँ क्या क्या अनलॉक कर सकता हूँ। सो स्पाई ग्लास तो चाहिए, क्योंकि इसमें औसम स्पाई ग्लास तो है नहीं। बेड भी चाहिए, वो भी SS वाला। नार्कोटेक, हाँ नार्कोटेक तो चाहिए, लेकिन इसमें वेनम लगता है। ये भी चाहिए ब्लड के लिए। स्पार पाउडर, मोर्टार एंड पेस्टर, सारे लेवल गए, नाइस। ठीक है भाई, छोटा सा बेस बनाने में इतना टाइम लग रहा है। प्राइमल फियर होता ना, अभी चुटकियों में बना देता। लेकिन मेरे को इसको नॉर्मल आर की तरह खेलना है, इसीलिए तो मैंने ये वाला मॉड शुरू किया है।
भाई मैं मूव नहीं कर सकता। ठीक है भाई, चेस्ट। तो इसको क्या कहते हैं, बॉक्स। ये चाहिए मेरे को, क्या फेंकूं? आधा वुड फेंक देता हूँ। अब तो आई थिंक इसको उठा पाऊंगा ना मैं। छोटी छोटी चीज के लिए एक एक पॉइंट कितना महंगा पड़ रहा है। लेकिन ये नॉर्मल आर्क है भाई, तो इतना तो सहना पड़ेगा मेरे को। सारी चीजें रखो। अच्छा मेरे पास 100 वुड है। ओके, तो फाउंडेशन के लिए कम क्या है? फाउंडेशन के लिए कम है थैच और फाइबर। ओके, मेरे को फाइबर चाहिए, अभी लेता हूँ फाइबर। नार्को बेरीज से इसमें वो बनने वाले नहीं है, नार्कोटिक। आई थिंक इतना तो ठीक है, थैच इतने में तो काम हो जाना चाहिए आई थिंक। वो ड्रॉप आ रहा है लेकिन मैं लूट ही कहाँ पाऊंगा ये वाला, मेरा लेवल ही कहाँ है इतना। मेरे को इतनी खांसी क्यों आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? रुको फाउंडेशन देखता हूँ अब कितनी बना सकता हूँ। फाउंडेशन 14, नहीं इतनी तो नहीं बनानी। फोर है ना, 1 2 3 4 5, 4 4 12। सो एक नहीं, दो एक तीन और चार, टोटल 7 बना लेता हूँ। बस बनने में बहुत टाइम लगेगा। और कैंप फायर के लिए क्या चाहिए? फ्लिंट चाहिए, स्टोन चाहिए। फ्लिंट एंड स्टोन तो होगा, स्टोन तो है, फ्लिंट नहीं है। जल्दी से देते फ्लिंट एंड स्टोन। अब तो बन पाएगी ना, अभी भी कम है। डीओडी क्रस मारता है कि नहीं, ये मेरे को नहीं पता। के अभी ये सीटी बजे फिर से, ये वही एनपीसी है क्या? मैं चांस ले रहा हूँ, वैसे मार अगर एग्रेसिव होता डीओडी तो इतने समय तक तो मार देता, क्योंकि बहुत सारे डायनोस तो नजदीक ही आते मारने लगते हैं। एक और जल्दी से, उसके बाद काम फिटस हो जाएगा अभी के लिए। और इसमें लेवल फार्म करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। बैरेज तो भूल ही जाओ, इसमें किसी काम की है।
मूवमेंट स्पीड, कैंप फायर बन गई ना मेरी। लेकिन कुक करने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास, और एरो इसमें बनाने के लिए तो वो लगता है फेदर। फेदर तो भूल ही जाओ, मतलब भूल ना जाओ टोटली, इसमें डोडो चाहिए मेरे को। देखते हैं चलो आसपास, शहर कम से कम एक डोडो तो देख लेते हैं। कोई है? हेलो, मैं हेलो हेलो करते आ रहा हूँ, मैं ड्रॉप लूटने आया हूँ बस। 35 लेवल चाहिए, कितना लेवल है मेरा? 13, अभी भूल ही जाओ यार। ओ हेलो सर, कोई है यहाँ? चेस्ट पड़ी है। ओ भाई, 5 नार्कोटिक, ओ मेटल हैचेट। क्रिस्टल चाहिए मेरे को ऑसम स्पाई ग्लास बनाने के लिए। नार्कोटेक का क्या करूँगा जब मैं एरो ही नहीं यूज। सॉरी 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 सर, सॉरी सर, अरे गुस्सा हो गया था, मैं जान गया आपकी लूट ले रहा था। कोई बात नहीं सर। व्हाट द हिक, हेलो हेलो, मैं मर किस, अरे पहले तो नहीं मार रहा था, अचानक से मार दिया इसने। अच्छा है कि मैं अपने बेस के पास ही स्पॉन हुआ हूँ। भाई इनकी लूट नहीं ले सकते मैं, कोई बात नहीं, अब तो मेरी इन्वेंटरी में है ना ये। अच्छा ये तो वो है, मैं सोचा डोडो है। हेलो सर, अभी मेरी लूट लेने दो मेरे को, मैं तो बहुत मारूंगा। मारना नहीं जाता आपको, सॉरी सर। हेलो 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 भाई, हेलो भाई, अभी भी मार क्यों रहा है? चॉपर चॉपर, तुझे हुआ क्या है भाई? हाय हेलो कर तो रहा हूं मैं तुझसे, अभी भी क्या प्रॉब्लम है चॉपर? तुम मरना चाहता है क्या? लगता है तुम मरना चाहता है मेरे हाथों। पुराने वाली लूट तो मेरा वहां था ना भाई, स्टैमिना कितनी जल्दी चला जाता है इसमें। अच्छा मैं उससे मर रहा हूँ, अरे और अब मेरे को समझ में, मर मर कैसे गया? उसके घर के आसपास कहीं वो लगा होगा, प्लांट स्पीसीज का पेड़, लेकिन मेरे को दिख तो रहा नहीं है वो। अगर लगा भी है तो कहाँ लगा है? क्या सड़ीली किस्मत है यार। गामा 5 करो, ऊपर कैसे जाऊं मैं? ठीक है भाई, भाई मेरी बॉडी दे दे मेरे को, बहुत जरूरी सामान था उसमें। कहाँ है मेरी बॉडी? वो रही। और ये प्लांट स्पीसीज का पेड़ पता नहीं कहाँ है, मैं मरना नहीं चाहता किसी भी हालत में। ई ऑप्शन आ जा, आ गया, नाइस। अब चुपचाप धीरे से
सरक लूँ यहाँ से। चिप चटको 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 चटको। अरे हेलो सर, आप शांत हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये? अच्छा आपके यहाँ टॉर्च है भाई? एकदम से इसने कुल्हाड़ी चलाई, मेरे तो डर गया यार। ओके इसने फ्री के मेरे को मेटल एक्स दी है, थैंक यू, जो कि अभी मेरे लिए बनाना तो बहुत मुश्किल है। अब मैं क्या बनाऊँ? स्पाई ग्लास। स्पाई ग्लास के लिए हाइड चाहिए, बहुत अच्छी। जो चीज़ कहाँ है ना, इतनी सस्ती है कि मैं क्या करूँ उसका। बेड के लिए क्या क्या चाहिए? बेड के लिए भी हाइड चाहिए होगा, 40 हाइड। बहुत अच्छे। एक काम करता हूँ, ये मेटल वाला अभी रख देता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा चांस है कि मैं मर जाऊँगा। ऐसे ही चलता हूँ भाई। ये कहाँ से आ गया इगुआना डॉन? अभी ये मेरे ऊपर एग्रो होगा। अबे यार क्या अच्छा खेल, ये तो भग रहा है। नहीं मेरे को नहीं पता था इगुआना डॉन भी भगता है। नाइस, मैं तो सोचा इगुआना डॉन अटैक करेगा। अभी तो मेरे को बस डोडो के अंडे चाहिए, ताकि मैं फेदर वेदर थोड़ा सा बना सकूं। वैसे यहाँ पे एक तो डोडो डो होनी चाहिए, पर एक भी नहीं है। ऐसा क्या हो गया है? क्या हुआ है ऐसा? रुकना 1 मिनट गाइस। ओके डोडो, डोडो कहाँ हो तुम? मेरे को डोडो चाहिए। पहला गॉर्निस वगैरह नहीं चाहिए, मेरे को डोडो ब्रीड करनी पड़ेंगी एरो बनाने के लिए। ठीक है भाई, तेरी भैंस की पूंछ में। अबे यार मर गया। अच्छा हुआ मैं सामान नहीं लेकर आया था। आज मैं बहुत मरूंगा। गामा 3। अभी कहाँ स्पॉन हुआ हूँ मैं? होना तो अपने बेसी के पास चाहिए मेरे को। हेलो, यहीं कहीं मेरा बेस होना चाहिए सर। सर यहाँ बेस था मेरा, कहाँ चला गया? और रेयर फ्लावर, रेयर फ्लावर तो इसमें ऐसे ही मिल जाते हैं। कहाँ स्पॉन हुआ हूँ? ब्लू ऑब्लिस कहाँ है? ब्लू ऑब्लिस तो ये रहा, पर बेस तो मेरा यहीं कहीं होना चाहिए। ऑब्लिस के पास ही मैंने बनाया था। भाई कितना जल्दी स्टैमिना जाता है तेरा है। अगर मैं रेयर फ्लावर खा लूं अगर, तो कोई नहीं हुआ, लेकिन स्टैमिना कितनी जल्दी जा रहा है। और मेरा 20 कहाँ है? हेल्लो,
वो रहा एनपीसी का बेस, वो रहा मेरा। यार एक टोटो तो मिलनी चाहिए, एक भी नहीं मिली अभी तक। और कैंप फायर में कुक करने के लिए मेरे पास फूड भी नहीं है, स्टेमिना तो भूल ही जाओ। एक हाइट मिली है मेरे को, मारने जा रहा हूँ इस बतख को। घूम रही है ना, जो कहाँ घूम रही थी, यहीं कहीं घूम रही थी ना, कहाँ गई? जो भी उसका नाम होता है, मैं तो बतख ही कहूँगा। वो ये रही, स्टेमिना है नहीं मेरे पास तो ऐसे ही मारना पड़ेगा मेरे को। प्लीज फेदर दे दियो। एक भी नहीं दिया, ठीक है भाई। ऑर्गेनिक पॉलीमर, एक, ये भी बहुत अच्छा है। और एक हाइड, चलो मैं कुछ कुक तो कर सकता हूँ खाने के लिए। आज एक डोडो तो मेरे को टेम करनी है कैसे भी करके। भाई इतना डोडो टेम करने में कभी मेरा दिमाग वो नहीं हुआ, बताओ। आज एक डोडो में टेम नहीं कर पा रहा हूँ, क्या किस्मत हो गई है भाई। ऐसा भी होगा कभी नहीं सोचा था, दो दो टेम करने के लिए मेरे को आफत पड़ी है। ड्यूटी क्रस तो मारा नहीं पाऊंगा। ये क्या है, कुछ मरा पड़ा हुआ है। टेक ऑयल, इससे चिट्ठी नहीं ले सकते क्या? इससे भी मीठी मिला है जो कि चिट्ठी मिलना चाहिए था। हेलो भाई, मैं हर बार यहाँ मर कैसे जाता हूँ? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? रुको यार, मेरे को स्टैमिना में एक पॉइंट देने दो, क्योंकि स्टैमिना तो ऐसे जाता है जैसे कोई फ्री की बूटी हो गई हो। हेलो, ये एनपीसी अभी तक इस पे भेजी है। हेलो सर, लगता है आपको टेम करना पड़ेगा मेरे को। फिर से मर गया मैं। भाई लगता है मेरे, मेरे को इन इस एनपीसी को टेम ही कर लेना चाहिए। ये एनपीसी खाएगा क्या? मरेगा तो नहीं? हेलो, तो टेमेबल होना चाहिए वैसे, है क्यों नहीं? ओके, खाई इसने 14%, बहुत धीरे हो रहा है तो। वेट अंटिल इट हंगरी। भाई डोडो तो नहीं मिली, इसी को टेम कर लेते हैं।
एक ह्यूमन होके ह्यूमन को टेम कर रहा हूँ मैं। क्यों सर? पर आपके हेयर के स्टाइल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। आतू कपड़े बहुत अच्छे हैं आपके पास, मेरे को चाहिए। एक बार टेम हो जाए मैं उतार लूँगा सारे के सारे। फिर तो इधर उधर घूमियो, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिफ्टी है भाई। भाई एक गुआनो डॉन की क्या प्रॉब्लम है? आ जा चॉपर, और मेरी इन्वेंटरी मेरे को लेने दे। आ जा आ जा आ जा चॉपर, आ जा जल्दी से। अभी कोई नहीं है, तू ही मेरा सहारा है। हाँ तो मेरे को ये टेबल बनानी है, ये वाली स्पार पाउडर चाहिए इसके लिए। और स्पार पाउडर बनेगा मोटर एंड पेस्टर में। मोटर एंड पेस्टर, हाइट चाहिए स्टोन। अरे यार हाइट की प्रॉब्लम है। हाइट आई थिंक इसके एनपीसी के बेस पे मैंने हाइट देखी थी भाई। तेरी इन्वेंटरी को खोल सकता हूँ मैं? कपड़े देगा मेरे को तो जूते पहन ले भाई। तेरे इन्वेंटरी में इतना सारा मीट कहाँ से आया? अच्छा मेरे को ही मारा था। चल तेरे कपड़े मेरे, अब तू नंगा घूम। और तेरे पे ऑप्शन देखूँ मैं क्या क्या है। सेंड हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग क्लोज डिस्टेंस नहीं है। सेट पीस स्टॉप हार्वेस्टिंग सेंड। रुको रुको रुको, पार नहीं यार, कुछ ज़्यादा चला जाएगा। नियर नियर नियर, अच्छा खासा पालतू जानवर मैंने पकड़ लिया खुद के लिए। इसके बेस पे मैंने ये देखी थी हाइट। मेरे को प्लांट स्पीसीज ने मारा था पिछली बार, पर वो मेरे को दिख नहीं रहा है वो है कहाँ। हाइट नहीं है भाई। मोटर पेस्टर बना होता तो ज़्यादा अच्छा। इस कैंप फायर में कुछ है भी? फालतू की कैंप फायर है। भाई बेड कैसा है? आधा छोटा सा, इतना छोटा मेरा बेड बन जाए तो ज़्यादा सही है। भाई इसने कहाँ लगा रखा है अपना प्लांट स्पीसीज एक्स? हर बार वो मेरे को पॉइजन मार देता है लेकिन दिखता नहीं है। छत पे है क्या? छत पे तो कुछ नहीं है। ओ वो रहा यार, वहां से मैं मर गया था। मोटर एंड पेस्टर के लिए हाइट चाहिए, ये भी बहुत प्रॉब्लम हो गई। वो कहाँ गया? हेलो, वो रहा चॉपर। और चॉपर कुछ लेकर आया गया? कोई स्टोन लाया है, इसका वेट बढ़ा देता हूँ मैं। 94 स्टोन। वाह भाई खुद ही स्मेल करता है।
मेरा मीट खा रहा है क्या भाई? ये मीट ले रहा है खुद ही भाई, मेरे लिए भी तो छोड़ दे, मैंने खुद लगाई है अपने लिए। चॉपर तो आई थिंक गाइस आज की वीडियो के लिए तय रखते हैं। मैंने टेस्टिंग भी करा दी इस मॉड की और एनपीसी मॉड भी इसमें डाला हुआ है, तो आज की वीडियो के लिए तय रखते हैं। अगली वीडियो हम ट्राई करेंगे एक ना एक डोटो या कुछ ना कुछ टेम करने की। और सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है क्या है इसमें? सबसे ज़्यादा दिक्कत है हाइड की। तो अगली बार हम ट्राई करेंगे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके हाइड का इंतजाम करते हैं। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।